हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, कल मेरा फेटल को है, तो पता नहीं, थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। जिस दिन जो स्कैन रहता है उसका पहला वाला दिन बहुत डर लगता है। रिपोर्ट में क्या आएगा ये सोच सोच के बस भगवान से ये प्रे सब कुछ सही है। और पता नहीं मेरा मन का वहम है या सच में हो रहा है, मैं खुद भी नहीं खुद को पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे बैक पेन लाइट है, बहुत थोड़ा सा है, तो बहुत ही डर जाती हूँ। क्योंकि पता नहीं, लास्ट प्रेगनेंसी में तो पेन होने से भी डर नहीं लगता था क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो इस बार कुछ भी होता है तो कभी लगता है अरे मुझे बैक पेन हो रहा है क्या, कभी लगता है अरे लोअर एब्डोमिनल में पेन है क्या, कुछ ना कुछ मेरा दिमाग में तो चलते ही रहता है। बस यही भगवान से प्रे है कि सब कुछ सही रहे। और सुबह से तो मैं बेड से नहीं उठ रही थी कंप्लीट पूरा आज, सिर्फ वॉशरूम के लिए उठती थी, नहीं तो अदरवाइज़ थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आती थी, खा लेती थी। बट आज डर के मैं बिल्कुल भी बेड से नहीं उठ रही हूँ, इसलिए ब्लॉग्स भी नहीं बनाए थे। अभी मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मुझे लगा बैठ के 2-3 मिनट का शॉर्ट ब्लॉग्स बना देती हूँ। और पता नहीं, सुबह से लाइट सा बैक पेन हो रहा है। अगर किसी और का भी ऐसा हो रहा है 23 वीक में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज मेरा 23 वीक है तो कमेंट करके बताइए, मुझे भी थोड़ा ये लगेगा चलो ऐसा ये नॉर्मल है। किसी को एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। मेरा दिमाग में तो इतना डर बैठ गया है कि मैं क्या ही बोलूं। और कल जो है मेरा फेटोमैट में है, फेटाली को 4:40 में 4:30 में वहाँ पे पहुँचना है, तो लगभग वही 3:45 में घर से निकल के जाऊँगी। आते आते तो रात हो ही जाएगा, बस भगवान करे सब कुछ सही रहे। जो भी होगा, कल तो व्लॉग्स नहीं आ पाएगा फेटाली को का, परसों ही मैं अपडेट करूँगी फेटाली को का हुआ क्या। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच।